और भुख बहुत लगी दोनों जणियां नूं। वेरी नाइस वेरी नाइस। आई विश उते राइडर पागल ही होंदे ओदा भी। चिंटू सभी राइडर्स को मिस कर रहा है, जो राइडर्स हमारे साथ नहीं है और जो है उनको भी मिस कर रहा है। ब्रदरहुड की बात ही अलग है यार, सब ब्रदरहुड को हमेशा मिस करते हैं यार। जुजू पाजी जैसा मुनीर भाई हो गए सबसे पहले पुराने, बहुत अच्छे राइडर थे वो भी। तरुण दा, तरुण विश्वास सर, तरुण दादा भी कलकत्ते से थे राइडर, वो भी अपने को जो अच्छी चीजें उसको रखना है पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी बुकेस लेने आई हूँ फ्लावर शॉप पे। गेस कौन आ रहा है आज? चलो जी चिंटू आ रहा है। चिंटू नहीं कहना होने नू, जग्गा इहदा नाम रख दिता वे अज तो। चिंटू बहुत बच्चियां वाला नाम है ते आपा बच्चे दे लगदे नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा मेरी बनाओ लगे वीडियो। ब्लॉगिंग करनी पैनी है। मैं कि घूम लेता हाँ जी जी। मैं और चिंटू खाना लगे खाने, हम लोग अली भाई की वेट कर रहे हैं और भुख बहुत लगी दोनों जणियां नूं ही। ते असीं हुण पंजाबी फूड मंगाया, लच्छा पराठा, जिन्ने खाना वो आ सकता है। ठीक है नूं जरूर जरूर, बहुत वधिया वा। नाले अंबिका मैम दा प्यार जम्मिया इत्थे पूरा। और सर लद्दाख जा रहे हैं श्रीनगर। And Ali Parmar and Tau Dawear with me. They stopped at Ludhiana. Ludhiana. They stopped at Ludhiana to meet some friends. I thought I'd meet here and go to Pathankot. And when I go there, I can try to arrange some early passes or something because I can't walk much. That is my problem. So, sir, cake cutting is because we are Ladakh going. I have tried to make the cake on Ladakh ki feel aa jaye. Because yahan pe I love Leh bhi likhwaya. Oh wow. उसको मैंने ना फोन पे बोला था कि ऐसे ऐसे डाल दो, उसने आई लव ये भी लिख दिया। अरे वाह ब्यूटीफुल, व्हाट अ व्हाट एन ऑनर। अभी सर केक काटने लगे, सर आप काटिए। ऐसे ही आप हमेशा राइड करते रहिए सर। सर ऐसे ही आप राइड करते रहिए, हम भी आपको देख के इंस्पायर हो गए। वेरी नाइस वेरी नाइस। आई विश फॉर योर सक्सेसफुल लेह लद्दाख राइड। Going to Ladakh now. Hello. After 10 years, 11 years. Okay. Driving on the roads made by Nitin Gadkari ji. It was 9 to 13. I saw the development taking place there, and now I want to see the development from 2013 to 2024. Good. Please, 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 अभी आप शुगर लेस खाते हो न? एक ही है बस, मेरा दिल नहीं कर रहा एक्चुअली खाने को। वैसे हमने बहुत फूड खाया, फिर दिल नहीं कर रहा, फिर बता लेते हो। नहीं ऑफर कर रहे हैं ना सर। सर इधर रख दीजिए, इधर हाँ बस। मैं ब्रेकफास्ट के बाद नथिंग। कोई आपकी अच्छी हिस्टोरिकल राइड उसके बारे में बताइए। Nothing historical, all rides, rides for fun, ride for fun. And I think a big ride, I'll say 2012, I rode for the martyrs of 1962 war. Hello, sir. Hello.
सर की कॉल आ गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा फूड इंजॉय कर रहे हैं। केक ज़्यादा टेस्टी है, केक बहुत टेस्टी है, केक टेस्टी है, फ्रेश मेड है ना केक, बिल्कुल फ्रेश है। और ले लिखा है ना, तो मेरा दिल करने लग गया ले जाने की। वो ले लिखा है, वो ले देख के वो केक लेने को मन कर रहा है। ये लिखा है ले यहाँ से आओ और जाओ बाइक पर और इधर आके स्टॉप करके कुल्लू मनाली है, अगर कुल्लू मनाली है बाइक पर जाओ और स्टॉप हो जाओ। अच्छा बनाया केक, स्पेशल किसी फ्रेंड से डिज़ाइन करवाया, फ़ोन पे एक फ़ोटो भेजी उसने बना दिया, हमने पीछे से पहाड़ खो दिया पूरा, लैंडस्लाइडिंग हो गई पीछे, लैंडस्लाइड हो गई यहाँ से। अच्छा लग रहा है। विच बाइक आर यू राइडिंग? विच बाइक आर यू राइडिंग? 350 मिट्टी 350 है। आप बताइए, आपका चिंटू ने मेरे को बताया आपका मैसेज है सेव गर्ल सेव गर्ल चाइल्ड, आपका मैसेज है। आई एम डूइंग दैट फ्रॉम 2012 एंड And I carried that message behind my bike when I was riding to Nepal from Pune for the 5th Enfield Rendezvous and Poker Run, which happens every year in the Nepali New Year. And that is from, you start from Kathmandu to ride to Pokhara. You usher in the Nepali New Year at midnight, and next day you have all the time to see. You want to do parasailing, you want to go boating, yacht, okay, speed boat, everything. And I of course go for social activities to orphanages, wherever they organize. Do that and then you ride back to Kathmandu. But the ride actually finishes in Pokhara. So I always tell people from there you plan your right beyond what I want to do since you've gone over there. Nice. So any message you want to send for the women or for the riders? Any message for the riders? The riders, I'll say to ride safe, know your bike, learn to maintain your bike. A small little thing like your clutch wire is broken or you have a flat tire, don't get stranded there for help or something. You set it right and then go to a mechanic and then get the expert. Don't get stranded up there. And taking care of your motorcycle is very, very important. Obey your traffic rules and all. What traffic others are doing is not the concern, but we as riders, we are not motorcyclists, we are riders. We have a ethos. And must use riding gears, protective gears, you must have. Earlier, when I was young and all, these things were not available in your country, neither did we know about. But now, I think you must invest in local gears for your protection. चिंटू किसी की कहो गए राइडर्स जो राइडर गियर राइडिंग गियर लाइक कई नहीं मुड़े पाओगे ना। नहीं, राइडिंग गियर तो कंपलसरी जो राइड करते हैं ना, राइडिंग गियर बहुत कंपलसरी है, क्योंकि राइडिंग गियर एक ऐसी चीज़ आ कि तुहाडी रोड सेफ्टी वास्ते राइडिंग गियर ही तुहाडी हेल्प करते हैं, है ना। कि राइडिंग गियर आप जो राइडिंग गियर यूज़ करते हैं तो सानू माइंड के जरूर होंगे वा कि अं कितना कितने स्किट हो सकते हैं, है ना। तो वो आपकी लाइफ के सेव करने वाले वो राइडिंग गियर ही होंगे, तो राइडिंग गियर तो कंपलसरी है, हर राइडर को लेने चाहिए राइडिंग गियर। Rules, regulation जरूरी है। You must, what you add, we must help the traffic police. Yeah. Oh my God. इतना बड़ा नहीं हुआ सर अभी मैं। ड्राइवर में खराबी क्या है ये बताओ मेरे को। Have a safe ride. Thank you so much. Let him book it. Book it लो। Thank you for the honor. Thank you so much for giving me your time. Be careful. Okay, see you. All the best. Please call to me. Hats off Sohan sir, देखिए चला भी नहीं जा रहा और ये लद्दाख के लिए जा रहे हैं। यंग राइडर जो हैं वो सीखें इनसे कुछ। राइडर्स नहीं, हर कोई बंदा सीखे अपनी लाइफ को कैसे जीना है। द ब्यूटीफुल बाइक एम एच
राइट टू पे होमेज टू मार्टिस। आ जाइए सर, प्लीज बैठिए आप। सचिन ग्लेशियर पूरा पैकअप दैट कंटेन्स जनरल। यस यस यस। गुड, आई रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन दैट प्लेट। यस यस सर, टेक सम बिकॉज इट कैरीज जनरल नॉलेज अबाउट सचिन ग्लेशियर। सचिन ग्लेशियर बिकॉज पीपल ओनली रीड अबाउट, गेट टू नो द नेम, the height, the amount of oxygen. Yes, yes. Oxygen, we have 10% of what we breathe. Average snowfall 34 feet. यहाँ से अपने U-turn लिया ना? पूरा लगेज पैकअप है, ये है टैंक बॉक्स, टैंक बैग के ऊपर सर ने सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। बाय बाय, राइड सेफ। चिंटू मेरे लिए सामान कर रहे हैं, कोई और प्रसाद है। गुरशरण देखी चल मरदानिया रंग करतार दे, आपे मर जांदे जेदे दूजे नु मार दे। आ पौंटा साहब ते हेमकुंड साहब दा प्रसाद लो जी। मैनु देखो इत्थे घर बैठे नु प्रसाद मिल गया पौंटा साहब ते हेमकुंड साहब दा। थैंक यू, ओनली थैंक यू नहीं कहिदा, वैसे मैं पागल। प्रसाद मिल गया भाई, वो तो राइडर पागल ही होंगे उदा। फाइनली ताऊ जी और अली भाई आ चुके हैं। आइए सर, आइए आइए। वेलकम टू पंजाब अली भाई। थैंक यू। हम भी जी ठीक आया पहुंचे। हेलो सर, कैसा रहा आपका सफर? चिंडी सर, थैंक यू। पढ़ना है यहाँ पे, नाइफ पड़ा हुआ है। हाँ, नाइफ भी है। और आपने एक दूसरे को भी खिलाना है। वी विश आपकी जो लद्दाख राइड है वो बहुत अच्छी रहे। अली भाई की बाइक भी लगाई है मैंने ऊपर, आपको अभी केक घुमा के दिखाएंगे, पीछे से तो नहीं दिख रही, पीछे रख लेते सर, दोबारा से हो जाए। लीजिए 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 आप, कोई नहीं चलन दे, उन्होंने रख दो पीछे, उठे रख दो। अच्छा उधर देखो, आप बहुत बड़े बड़े आए लोग वाले। बहुत इंजॉय करते हैं सब, इनके वजह से क्लब थोड़े चेंज होते जा रहे हैं, पहले वाला प्यार रहे नहीं है राइड रूम में आज। नहीं नहीं, बहुत प्यार है इवेंट में, लेकिन इवेंट इवेंट्स में भी वैसे ही हो रहा है। उस टाइम पे लोगों को ये नहीं था कि यार हम लोग किसी के इवेंट में जा रहे हैं, कोई नहीं इवेंट उसका इवेंट लगता था, वो सब उतना ही था। रॉयल एनफील्ड राइडर में नहीं आए इस वजह से था, पर वो जो इवेंट होते हैं ना, जैसे जो ब्रांड के इवेंट होते हैं उनकी एक अलग वाइब होती है, उनमें फिर भी हम सभी इन्जॉय करते हैं, है ना। उसमें ये होता है कि केयर टेक और कोई कर रहा है, हम सिर्फ इन्जॉय कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। इवेंट्स तो ज़्यादा ब्रांड के होते थे, पर जो भाई भाईचारा ब्रदरहुड मिलता था वहाँ पे, उसकी बात ही अलग थी, है ना। क्योंकि सब ब्रदरहुड की बात ही अलग है यार, सब ब्रदरहुड को हमेशा मिस करते हैं यार। ब्रदरहुड आज भी है, ऐसा नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें नई भी आई, बहुत सारी चीज़ें नई आई, हमने को जो अच्छी चीज़ें उसको रखना है पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, राइडर्स के लिए मैसेज, आपका सेकंड टाइम है, पिछले साल भी आप गए थे ना ले लद्दाख, मैसेज चेंज हो रही है आपकी, और इस साल कोई छोटा सा मैसेज राइडर्स के लिए ले लद्दाख के लिए, कितना प्यार ले लद्दाख के लिए। मैसेज तो राइडर्स के लिए यही रहेगा कि भाई हर साल बहुत सारे राइडर्स लेह लद्दाख जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लेह लद्दाख बाइक ले ली और चले गए, बहुत सारी सेफ्टी का ख्याल करना पड़ता है, राइड थोड़ा सेफ करें, राइडिंग गियर्स अच्छे से पहने,
और बाइक को रोड के तरीके से, जैसा रोड है डिपेंड रोड के हिसाब से उस तरीके से चलाए और सेफली घर पे पहुँचे और एंजॉय करें। आप कुछ वर्ड्स राइडर्स के लिए? राइडर्स को यही कहूँगा कि जैसे अली भाई ने बोला सेफ्टी वगैरह तो ख्याल रखना ही, और जो ग्रुपिज्म वगैरह ज़्यादा हो गया है वो अवॉइड करें और भाईचारा रखें। भाईचारा ब्रदर। चेटू नहीं जग्गा, इसका नाम चेंज कर दिया। वन मोर जग्गा कर दो अभी। हाँ, एक मैसेज। मैसेज तो ये भाई हर राइडर को कि राइडर गियर, जो राइडिंग गियर अपने राइडर है, राइडर हर राइडर को अपने राइडर पूरे गियर अपने कंपलसरी चाहिए, और किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए गाड़ी भगाओ मत, आराम से डेस्टिनेशन पहुंच आ ही जाएगी कहीं ना कहीं, पर आराम से राइड करो। घर वालों का पीछे आपको पूरा सपोर्ट होता है हर राइडर को, तो घर वालों की भी सेफ्टी होती है, क्योंकि हमारी सेफ्टी अकेले की नहीं होती कि हम राइड कर रहे हैं, तो हमारे सेफ्टी, हमारे घर वालों की भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जितने आराम से चलेंगे और जितनी अच्छी जगह जाएंगे वो एक्सप्लोर करो और अच्छे से राइड करो, सेफ राइड करो, गड़बड़ मत करो, आराम से चलाओ और हैप्पी जर्नी और सेफ राइड। और फ़ोन मत यूज़ करो ड्यूरिंग राइड। हाँ, चलती गाड़ी में फ़ोन मत यूज़ करो। पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मैं कॉल कर रही थी, एक दो बार कॉल किया अली भाई का फ़ोन बंद आ रहा था। आई थिंक मेरे को लगता है वो अच्छी बात है, हमें मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ड्यूरिंग राइड, राइड पर ही है ना। चिंटू सभी राइडर्स को मिस कर रहा है, जो राइडर्स हमारे साथ नहीं है, और जो है उनको भी मिस कर रहा है, जो है और जो नहीं है सबको मिस कर रहा है। अभी मैं आ चुकी हूँ घर। आज जो भी राइडर्स जा रहे थे लेह लद्दाख के लिए, रिस्पेक्टेड अली भाई, सोहन रॉय जी और उनके साथ दाऊ जी थे, और चिंटू वैसे आ गया। चिंटू वैसे जलंधर आया हुआ था मिलने के लिए, चंडीगढ़ से वो मिला, बहुत अच्छा लगा मिलना। और सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में जहाँ पे राइडर्स अपने पैशन को लेके लेह लद्दाख जा रहे होंगे। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल देन, बाय बाय।